Hello students, today's class we will discuss the topic that is artificial kidney or hemodialysis. तो लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हम किडनी को मतलब किस तरह से किडनी जो है हमारे यूरिन को फ़िल्टर करने में हेल्प करता है, और हमने उसमें पढ़ा था कि किडनी में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जो है वो फ़िल्टर करने में हेल्प करता है, ग्लोमेरुलस होता है, लूपोफेनले होता है ना, कलेक्टिंग डक्ट होता है. फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो भी यूरिन किडनी में मतलब बनता है वो यूरेथरा के थ्रू आपका चलाता है इसमें यूरिनरी ब्लैडर और फिर बॉडी के बाहर निकल कर आ जाता है. यूरेटर और यूरेथरा, प्लीज़ इनमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि देर आर सो मैनी पार्ट्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर किसी इंसान की किडनी ख़राब हो जाए देन व्हाट विल हैपन. अब ये तो समस्या, फिर उसका यूरिन कैसे बनेगा. अब ये तो इसके लिए तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर क्या करेंगे, किडनी तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि किडनी लगाने के लिए किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की किडनी हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, और जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता है. और इवन कई तो ऐसे भी हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो चांसेस बहुत कम होता है कि वो किडनी दोबारा वर्क करे, ठीक है. तो इसके लिए एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, जो कि आप मेडिकल के स्टूडेंट जब बनेंगे 11th 12th में और कॉलेजेस में, देन यू विल स्टडी. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसा ही किडनी है जो डॉक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी ह्यूमन बींग के अंदर जिसका किडनी ख़राब हो, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आपका लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस. इन दिस केस ब्लड इज मेड टू फ्लो इनटू द डायलिसिस मशीन, made a long cellulose tube coil in the dialyzing tank with dialysis fluid. अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको समझना पड़ेगा, है ना. तो what we will do, हम हर पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या नए नए टर्म्स यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से ये नए नए टर्म्स को हम लोग समझें, ठीक है. तो let me tell you, नंबर फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि एक है आपका डायलिसिस मशीन. मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, स्लाइड में आप देखेंगे कि कैसे डायलिसिस मशीन क्या होता है और किस तरह से यूरिन फिल्टर होता है. तो ये देखिए, ये एक मशीन है, ठीक है. इसमें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि एक पेशेंट लेटा हुआ है ना. दिस पेशेंट से एक ट्यूब लगी हुई है, यहाँ देखिए ट्यूब है, ठीक है. और इस दो ट्यूब्स बाहर निकल रही हैं, एक से मतलब ब्लड अंदर की तरफ मतलब शरीर के अंदर से बाहर निकल रहा है. ये ऊपर की तरफ देखिए जिस पर लिखा हुआ है लाइन आर्टरी टू वेन पंप, यानी ये इट इज़ जस्ट लाइक अ आर्टरी, ठीक है. ये ऊपर की तरफ आया और आपको ये जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा. दिस इज़ बेसिकली अ बंच ऑफ ट्यूब. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, ट्यूबलिन मेड अप ऑफ अ सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन. और ये क्या करता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है, मतलब जो शरीर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होगा उस वेस्ट प्रोडक्ट को ये निकाल देगा. और निकालने के बाद अब देखिए यहाँ पर दो बॉटल्स लगी हुई हैं, है ना. तो ये बॉटल से बाहर की तरफ यूरिन निकल जाता है और फिर जो वेस्ट जो यूज़फुल ब्लड है वो दोबारा शरीर के अंदर एंटर कर जाता है. तो यही काम हमारा किडनी का था,
किडनी में एक रीनल आर्टरी थी, एक रीनल वेन था। तो रीनल आर्टरी से ब्लड जो है वो किडनी के अंदर एंटर कर रही थी और फिर रीनल वेन से जो है वो दोबारा हमारे बॉडी के अंदर ही आ रही थी। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई किया गया है, ठीक है। बस यहाँ पर एक आर्टिफिशियल मशीन का यूज़ किया गया है। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट थिंग। तो अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दिस फ्लूड हैज़ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड एक्सेप्ट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। यहाँ पर एक फ्रेश डायलिटिक सॉल्यूशन रखा हुआ है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जिसका जो प्रेशर होता है वो सेम जैसे हमारे ब्लड का होता है वैसा ही होता है, ठीक है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट को, मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में हेल्प करता है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता था, पेशेंट ब्लड इज़ अलाउड टू पास थ्रू दिस ट्यूब। मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि इस ट्यूब के थ्रू ब्लड को पास करवाया जाता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, एज द रिजल्ट वेस्ट सब्सटेंस डिफ्यूज आउट फ्रॉम ब्लड इनटू टैंक। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है वो एक टैंक के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। द क्लीन ब्लड इज़ पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट बॉडी। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि क्लीन ब्लड जो है वो पेशेंट के बॉडी में दोबारा एंटर कर जाता है। तो ये डायग्राम आपका डायलिटिक मशीन का है कि किस तरह से डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू ब्लड को फिल्टर किया जाता है और डॉक्टर्स कुछ इस तरह से प्रोसेस करते हैं। आपके एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम बना हुआ होगा, ठीक है। ये डायग्राम आप देख लीजिए। हालांकि अभी तक तो आया नहीं है ये सिलेबस, मतलब उसमें आपके एग्ज़ाम में, लेकिन आप इसको अपने माइंड में बना लीजिएगा और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। आपके एनसीईआरटी के बुक के अंदर ये डायग्राम बना हुआ है। अब आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन किडनी एंड आर्टिफिशियल किडनी। भाई दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो इन केस ऑफ आर्टिफिशियल किडनी नो रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। अब जैसा कि रीअब्जॉर्प्शन मैंने आपको समझाया था कि बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ये सारे आपके जो किडनी है वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है और दोबारा ब्लड को पहुंचा देता है, जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। लेकिन आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, यानी रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होता। अब रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होगा तो क्या है भाई, ग्लूकोज भी, अमीनो एसिड भी, प्रोटीन्स भी, ये सारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये सब उसी बॉटल के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक है। मतलब अब तो हमें ये समझ लो कि जो हमारे लिए यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं वो सारे सब्सटेंसेस कहाँ चले जाएंगे, उस बॉटल के अंदर चले जाएंगे और हमारी दिन प्रतिदिन एनर्जी कम होती चली जाएगी। दूसरा पॉइंट, दैट इज़ नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली, ठीक है। बट द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और टू पर डे एज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्स। अब मैं आपको बताऊँ कि हमारा शरीर, हमारा किडनी 180 लीटर ब्लड हर रोज फिल्टर करता है, लेकिन यूरिन कितना बाहर आता है, 1 लीटर या सिर्फ 2 लीटर। बाकी जो ब्लड या बाकी जो वेस्ट, मतलब बाकी जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि हमारा जो किडनी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके बिना मतलब हो नहीं सकता कुछ। हालांकि आर्टिफिशियल किडनी लगाने से फ़िल्टर तो हो जाता है, लेकिन उतना इफ़ेक्टिव फ़िल्टर नहीं हो पाता जितना हमारा किडनी फ़िल्टर करता है। अब क्या प्लांट भी एक्सक्रीशन करते हैं?
मतलब हमने तो एनिमल तो पढ़ लिया कि एनिमल के अंदर किडनी होते हैं जो कि फिल्टर करने में हेल्प करते हैं, तो प्लांट भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी तो वेस्ट प्रोडक्ट को अपने शरीर से बाहर निकालता होगा। तो द आंसर इज़ येस, प्लांट भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है और उसके पास भी एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन प्रोसेस करते हैं। तो एक्सक्रीशन इन द प्लांट इज़ डन थ्रू स्टोमेटा, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल देता है। नाउ एक्सेस ऑफ वाटर इज एक्सक्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब जैसा कि आपने पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी आप लोग आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि किस तरह से प्लांट वाटर को रूट से शूट तक लेके जाता है और वहाँ से फिर स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो एक्सेस वाटर जो होगा वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन लीफ एंड प्लांट दैट गेट रीड ऑफ दीज वेस्ट बाय रिमूवल ऑफ ड्राई लीव्स। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लीव्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे हो जाते हैं। अब प्लांट को वेस्ट प्रोडक्ट हटाना है तो आपने देखा होगा प्लांट के ऊपर, मतलब प्लांट की जो लीफ है वो प्लांट में लगी हुई है फिर भी सूखती जा रही है ना। तो उसका रीज़न यही है कि प्लांट कोशिश करता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट उसके बॉडी से हट जाए। थर्ड आता है, सम वेस्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलोज वैक्यूल्स। अब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो सेलुलोज के फॉर्म में प्लांट के अंदर स्टोर रह सकते हैं। सम वेस्ट आर स्टोर्ड इन रेजिन और गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। अब रेजिन और गम्स देखा होगा बेटा, कुछ प्लांट्स के अंदर से चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं है ना, दैट आर ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट इन टू द सॉइल। कुछ वेस्ट जो है वो सॉइल के अंदर ही एक्सक्रीट कर देता है। मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्लांट के अंदर कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। नाउ टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय प्लांट। प्लांट में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में रेफिड्स एंड रबर। रेफिड्स अभी मैं दिखाता हूँ, एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट की बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है, सभी प्लांट के बाहर, प्लांट से नहीं कुछ प्लांट से। इसी तरह लिक्विड वेस्ट भी निकलता है, मिल्की लेटेक्स, रेजिन्स, गम्स, सैंडलवुड ऑयल, ठीक है, यूकलिप्टस ऑयल, ये सारे वेस्ट हैं, लिक्विड वेस्ट है। सिमिलरली गैसियस वेस्ट कौन कौन सा हो सकता है प्लांट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ये सारे उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए रेफिड्स कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट की बॉडी से बाहर निकलता है। ये देखिए रबर प्लांट, यू कैन सी द रबर इज ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। मिल्क लेटेक्स, ये देखिए जब आप कोई भी पत्ता तोड़ते हैं, ठीक है, मतलब सभी प्लांट्स के अंदर की बात नहीं कर रहा मैं, तो एक ना लिक्विड मतलब वाइट कलर का लिक्विड प्रोड्यूस होता है, उस लिक्विड को मिल्की लेटेक्स कहा जाता है। इसी तरह प्लांट रेजिन्स, देखिए किस तरह से प्लांट रेजिन्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गम्स ड्रॉप, देखा होगा कुछ प्लांट्स के अंदर से इस तरह से चिपचिपा लाइक पदार्थ प्रोड्यूस होता रहता है और वो हाथ को चिपचिपा बना देता है। इस तरह से देखिए गम्स को इकट्ठा किया जाता है, जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर कोई बॉटल या कोई कुछ भी, कोई भी बर्तन रख देते हैं ताकि उस जगह पर वो इकट्ठा होता रहे, ठीक है। सैंडलवुड ऑयल, ये भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। एंड यूकलिप्टस ऑयल, इस ये प्लांट तो आपने देखा ही होगा, सफ़ेदे का पेड़ होता है, वहाँ से भी एक ऑयल प्रोड्यूस होता है जिसको यूकलिप्टस ऑयल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है और काइंडली मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। और मैं बार बार बताऊंगा कि ये
चैप्टर बेटा बहुत ही बड़ा चैप्टर था और ख़त्म होता है आपका ये चैप्टर। और जितनी ज़्यादा बार आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एंजाइम्स इसमें ऐसे हैं जो आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद आ जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी विल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच।